नमस्कार। पूरे साल आपको जो ना सुनाई देगा, चुनावों में उसकी गूंज जोर जोर से होने लगती है। ऐसी ऐसी जुमलेबाजी होती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को ही देख लीजिए। अभी से अब्बा जान, जिन्ना, कलाम, ये सब तो मुद्दा बन चुके हैं, और लीजिए अब भगवान को भी मैदान में उतार लिया गया है। वैसे भी चुनाव हो और भगवान, मंदिर, मस्जिद, धर्म, इन सबका जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है भला? अयोध्या में राम मंदिर का जाप करने वाली बीजेपी ने अब श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना है। दरअसल बुधवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद ने अपने इस ट्वीट को ट्विटर पर भी पिन किया है। मौर्य का यह ट्वीट आना था कि बस इसके मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठने लगा कि आखिर मौर्य के इस ट्वीट का क्या मतलब हो सकता है? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है? आपको यहां पर बताते चलें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी कोई नया नहीं है, यह भी सालों से चला रहा है। हालांकि इस साल यह मुद्दा कई बार उठा। दरअसल मथुरा के तीन याचिकाकर्ताओं रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और तीन अन्य लोगों ने एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और भगवान के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। इसी को लेकर मथुरा के सिविल कोर्ट में बाकायदा मुकदमा भी दायर किया गया है और 13.37 एकड़ की जमीन पर दावा करते हुए अधिकार मांगने के साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। सवाल यह है कि चुनावों के नजदीक आते ही इसका इतना शोर क्यों मच रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के पक्ष में फैसला आने और फिर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब बीजेपी के पास हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं बचा था, इसीलिए अब मथुरा का मुद्दा उठाया गया है। अब ये तो आप जानते ही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरा देश, भगवान श्री कृष्ण को हर जगह पूजा जाता है। जितना प्यार, जितनी आस्था लोगों की प्रभु श्री राम में है, उतनी ही श्री कृष्ण में भी है। बीजेपी के पास ये बहुत अच्छा मुद्दा है जिसे भुनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत कर दी है। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने एक भाषण के दौरान इसके संकेत दे चुके हैं। आपको याद होगा, अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने कहा था, 1990 में राम मंदिर बोलना अपराध माना जाता था। ये लोकतंत्र की ताकत है, जो 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज आपकी ताकत के सामने झुके हैं। यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। अक्टूबर 30, 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बरबर लाठी चार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। आपको क्या लगता है, चुनावों में श्री कृष्ण का मुद्दा उठाने से बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।